So hello guys, welcome back to Ozone Classes. Today we have a very special guest, Akriti Goyal on our channel. NEET 2021 में उनके 720 में से 676 marks आए हुए हैं. तो भाई साहब उन्होंने बहुत अच्छा score किया है और सबसे attractive part है जो इनके journey की कि 10 साल बाद उन्होंने NEET के लिए try भी किया. वही बहुत ही बड़ी बात है. तो उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही. उससे पहले मैं आकृति से ये जानना चाहूंगा कि आकृति 677 marks वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि अटेम्प्ट की बात करें तो इनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आपके सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितने थे, कैसे कैसे थे और कितना ज्यादा मुश्किल था 676 स्कोर करना, प्लीज आप हमें ये बताएं. जी मैंने अगस्त 2020 में प्रेपरेशन शुरू किया था अपना एंड 10 साल पहले मैंने 12th पास किया था. उस समय इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था तो बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हुआ था तो वहाँ चली गई थी. एंड जब लास्ट ईयर शुरू किया था तो काफ़ी मुश्किल था. इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास एक पेन भी नहीं था घर पे, क्योंकि लैपटॉप पे ही सारा काम होता है. मैं नौकरी कर रही थी एंड मेरे को लिखने की बिल्कुल आदत नहीं थी. जब शुरू किया तो मतलब पहले तो चैप्टर काउंट किए कि अरे 97 चैप्टर्स है टोटल, तो आसान तो नहीं है. एंड उसके अलावा बायो की दो मोटी मोटी किताबें हैं जिनको पूरा रटना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा पूरा छप के एज इट इज पेपर में आएगा. एक बार पेपर की शक्ल भी देखी, नीट 2020 का पेपर जो था वो हुआ नहीं था, तो नीट 19 का पेपर देखा था मैंने, तो पूरा बाउंसर था, एक भी क्वेश्चन नहीं आता था ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो जब शुरू किया तो काफी लो कॉन्फिडेंस था, मतलब एक भी सवाल नहीं होता था. कभी कभी 3 या 4 घंटे लगते थे एक रोटेशन का सवाल करने में, बहुत ही ऑनेस्टली बता रही हूँ. बहुत बार मतलब डीमोटिवेटिंग लगा, बहुत बार रोई हूँ, बट आई थिंक ये पता था कि क्यों कर रही हूँ और क्या अचीव करना है. हमेशा एक दिमाग में दिल्ली एम्स की पिक्चर लेके घूमती थी मैं जहाँ भी थी. एंड आई नो दिल्ली एम्स तो नहीं मिलेगा, काफी दायरे के बाहर है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट. बात यह है कि बड़ा सोचना चाहिए लाइफ में, तब जाके थोड़ा बहुत मिलता है. तो मेरे 676 मार्क्स हैं इस साल एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने सिर्फ 12 महीने पढ़ाई की है. एंड मेरे बायो में 355 हैं 360 में से. थैंक यू. एंड फिजिक्स में मेरे 155 हैं और केमिस्ट्री में मेरे 166 हैं आउट ऑफ 180. तो मैंने 716 का पेपर अटेम्प्ट किया था, केमिस्ट्री में एक सवाल छोड़ा था. 716 नंबर का पेपर. हाँ जी. तो इनफैक्ट मैं तो काफी नाखुश थी कि वो एक क्वेश्चन भी कर लेती तो शायद नंबर मिल जाते, बट अच्छा नहीं किया, गलत हो जाता पक्का से. एंड हाँ, सबसे बड़ी खुशी ये है कि बायो में 355 था, तो नाउ मुझे और मतलब हौसला मिलता है कि शायद मैं अच्छे से डॉक्टर बन पाऊंगी, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट. राइट राइट. तो यस, तो बेसिकली जब शुरुआत की थी तो कुछ आता नहीं था, छोटे छोटे टेस्ट देती थी क्लासेस के एंड वो सब्जेक्ट वाइज होते थे, मतलब चैप्टर वाइज, तो वो तो ठीक था. पर जब पहला मॉक टेस्ट आया जनवरी 21 में तो मेरे 590 नंबर आए थे. एंड हाँ, रैंक तो पूछिए ही मत, मतलब बहुत ही घटिया था. कौन सी टेस्ट सीरीज थी वो? सॉरी, कौन से कोचिंग की टेस्ट सीरीज थी वो? मैंने एक्चुअली आकाश लाइव का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया था. एंड क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैंने एक्चुअली 12 साल से बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया था, मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है प्रॉपर. एंड तो कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि क्या हो रहा है मेडिसिन में एंड मतलब कौन सी क्लासेस है, नाम भी नहीं पता था, भूल गई थी सब. तो फिर कुछ लोगों से पूछा तो फिर उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड ही है आकाश आलन, कोई लगा लो. मतलब फिर मैंने सोचा कि यार अब एक साल ही बचा है एग्जाम के लिए. पहले लगा था कि मई में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि 8 महीने में बचे थे और मुझे इसी साल निकालना था. और मैंने कौन से मंथ में आपने स्टार्ट किया था? अगस्त में शुरू किया था मैंने. और मतलब मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया था. It was a very high paying job. I left that. I took that entire risk. तो फिर मैंने सोचा कि यार ढंग से करती हूँ ताकि structure और schedule पता चलेगा. मतलब और मेरे आसपास के लोगों में से कोई भी NEET की तैयारी नहीं कर रहा है. Like मेरे कोई दोस्त ही नहीं है जो NEET की paper अभी दे रहे हैं.
बिकॉज मैं 29 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड मेरे बाकी सारे बैचमेट्स जो हैं वो जॉब्स कर रहे हैं या यूएस में हैं या फिर इनकी शादी हो रही है, मतलब मेन फोकस ऑफ लाइफ इज डिफरेंट उनका अभी. तो मैंने सोचा क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर आएगा, थोड़ा टेस्ट सीरीज मिलेगा. तो मेरे पास आकाश की टेस्ट सीरीज थी और टुवर्ड्स द एंड, मतलब जब जुलाई आ गया था तो पेपर एक्सटेंड हो गया था अगस्त से सितंबर, तो उन्होंने मुझे इंटेंसिव स्कॉलर बैच में डाला था क्योंकि मेरा स्कोर काफ़ी इंप्रूव हुआ था ओवर टाइम. और उसमें मेरे को 40 और टेस्ट मिले थे, तो मैं रोज़ टेस्ट लिखती थी 2 से 5. मेरा लास्ट 2 महीने का काम सिर्फ टेस्ट लिखना था, रोज 2 से 5. रोज मैं 180, हाँ जी, मैं रोज 180 सवाल सॉल्व करती थी बैठ के 3 घंटे में. तो आकृति गोयल ने 2010 में 12th पास किया था, 4 साल उन्होंने बिट्स पिलाने में पढ़ाई की, उसके बाद 5 साल उन्होंने जॉब किया. जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने सिर्फ 1 साल प्रिपेयर किया नीट के लिए और उस 1 साल में इन्होंने 677 मार्क्स लिया. अब मैं भी क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही रहा हूँ तो बायोलॉजी हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ होती है. तो 10 साल बाद बायोलॉजी में सिर्फ 1 साल पढ़ के 355 मार्क्स लाना कितना ज्यादा टफ था, और आपने कितना लिमिटेड होके पढ़ाई किया, मतलब क्या क्या फॉलो किया आपने, आप बता सकते हो? तो मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि कितनी किताबें पढ़ी, कितनी रेफरेंस बुक्स पढ़ी. मैं बोलती हूँ कि मैंने एक भी रेफरेंस बुक नहीं खरीदी, मैं अपने पैसे पे पढ़ाई कर रही थी. मेरी जो भी सेविंग्स है मैं उसको यूज कर रही हूँ पढ़ने के लिए और आगे भी वही यूज करूंगी MBBS की पूरी जर्नी के लिए, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड से पैसा हो जाएगा उतने से. होपफुली. तो मैंने सिर्फ NCERT की किताब खरीदी थी और मेरे पास आकाश का मॉड्यूल था, बट मैं आकाश के मॉड्यूल से थ्योरी कभी नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत एक्स्ट्रा है इन्फॉर्मेशन. मतलब अच्छी बात है कि है, अगर श्रद्धा है तो पढ़ लो, बट मुझे लगता था कि जो लिमिटेड निकालना है. हाँ, मतलब मुझे एनिमल किंगडम में PhD नहीं करना है ना, मतलब क्या फायदा वो एक्स्ट्रा ऑयस्टर और वो स्क्विड पढ़ के, मतलब पॉइंट नहीं है ना पढ़ के. तो मैंने ये, मुझे ये पता था कि NTA, मैंने काफी रिसर्च किया था कि NTA किस तरीके से पेपर बनाता है. तो हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम पे जाते हैं, क्वांटिटी, हमें लगता है 50 किताबें पढ़नी चाहिए, हम क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि आप NCERT पढ़ोगे तो शायद बच्चे एक बार पढ़ के उसको छोड़ देते हैं. मेरी किताबें फट गई हैं, मेरी सारे NCERT की पेज अलग अलग हैं. तो मैंने कम से कम 12 बार बायो की किताब पढ़ी थी, NCERT की सारे चैप्टर लगातार. टाइम, हाँ जी, एक साल में. हाँ, और फिजिक्स की किताब मैंने NCERT की 3 या 4 बार पढ़ी है टोटल, और केमिस्ट्री की 6 से 7 बार पढ़ी थी, और इनऑर्गेनिक मैंने शायद 10 बार पढ़ा था. उसमें से मेरा हर तीसरे दिन काम ही होता था कि मैं इनऑर्गेनिक का एक एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप या अगले दिन सेकंड ग्रुप, मतलब मेरे लिए स्टोरी बुक था NCERT. और मैं सिर्फ NCERT पढ़ती थी, मैं NCERT एग्जेम्पलर सॉल्व करती थी. मैं आकाश के जो पीछे के क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चन होते थे हर चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली, वो करती थी. पुराने ईयर्स के सवाल मैंने 5 या 6 बार किए हैं, मतलब इतने ज्यादा बार किए हैं कि दिमाग में छप चुका है. NCERT मैंने इतनी बार पढ़ी है कि आप मुझे कोई भी एक लाइन, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप मुझे कोई भी लाइन उठा के पूछिए, मैं आपको बता सकती हूँ किस चैप्टर से है वो. और मतलब तो मेरा आइडिया ये है कि आप कम करो बट आप बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है NTA NCERT में से ही बनाएगा. हमें लगता है कि क्लासेस का मॉड्यूल, क्लासेस के नोट्स, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्लासेस के मॉक टेस्ट में नंबर लाएं. मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्लासेस के मॉक टेस्ट को छोड़ो, जो NCERT का पार्ट है उसमें वो फुल लाओ. जैसे मेरे आकाश के टेस्ट में काफी सारे क्वेश्चंस जो थे वो NCERT से बाहर आते थे क्योंकि वो एक्स्ट्रा देते थे, तो मैं कभी वो अटेम्प्ट नहीं करती थी, तो मेरा स्कोर थोड़ा कम रहता था वैसे. बट मैं ये कोशिश करती थी कि जो मैंने सवाल गलत किया है क्या वो NCERT से है, या मैंने वो छोड़ा तो NCERT से है, नहीं है कोई बात नहीं, मैं उसको इंक्लूड ही नहीं करती थी, जो है वो मुझे पूरा आना चाहिए. तो मैंने सिर्फ NCERT ही पढ़ा है और कुछ नहीं किया. मैंने इनफैक्ट क्लास के नोट्स भी बिल्कुल नहीं पढ़े थे बायो के, तो क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाते थे, स्पेशली बॉटनी और जूलॉजी में, मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ाते थे. तो मैंने रियलाइज किया कोई फायदा ही नहीं है, और पेपर पूरा NCERT से आया था. तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में आप हैंड रिटन नोट्स भी बनाते थे या फिर बुक में बस अंडरलाइन कर दिया ऐसा कुछ? यार मैंने हैंड रिटन नोट्स तो नहीं बनाए थे, मतलब मुझे पता था कि बहुत लोग बनाते हैं, बट मेरा संभव नहीं था, मतलब मैं नहीं बनाती थी. चीजें रिटेन कैसे हो जाती थी? आप कोई भी चीज 10 बार पढ़ो आपको कैसे याद नहीं होगी. मेरा ये था कि 10 बार पढ़ लो, मतलब
स्टोरी बुक ही तो है, पढ़ना ही तो है. हमें लगता है जैसे एक बार पढ़ लिया है अब क्या बार बार पढ़ेंगे, बस फॉर्मूला रट लेते हैं. नहीं, मैं पीछे का ना कॉन्सेप्ट पढ़ती थी 10 बार, क्योंकि जब मैं वो 8वीं बार 9वीं बार पढ़ती थी ना, तो मुझे कुछ नया ही क्लिक हो जाता था कि यार ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया. फॉर एग्जाम्पल, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर को मैंने शायद 7 या 8 बार पढ़ा, क्योंकि मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, बहुत फालतू की कहानी है उसमें, बट वो कहानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो ब्यूटी से वो समझाते हैं ना कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है, वो अगर हमें समझ में आ जाए ना, तो वो पूरी कहानी एक बार में क्लियर हो जाती है. फिर आप कोई भी सवाल कर सकते हो उसका. हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बोलते हैं कि ये वाला सवाल पहले किया नहीं है इसलिए नहीं आता. सवाल तो नया बन ही सकता है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, रिएक्शन तो एक ही वेसल में हो रहा है, चाहे कोई भी हो, राइट? तो वो अप्रिसिएशन तभी आता है जब आप कोई भी चीज 10 बार 15 बार पढ़ते हो. क्योंकि और हम क्या करते हैं कि कोई चीज पसंद नहीं आती ना, तो उसको बाद के लिए टाल देते हैं कि यार ये एंड में पढ़ लेंगे, अभी तो नहीं आता है, और उससे नफरत करने लगते हैं. मेरा आइडिया ये था कि जो चीज नहीं आती ना, पहले पढ़ो, पहले उससे प्यार करो, बाद में जो ऑलरेडी प्यारी चीज है वो तो एनीवेज पता ही है ना, वो तो कंफर्ट जोन है. जिस दिन तबीयत खराब होगी, जिस दिन मन नहीं लगेगा, उस दिन वो आसान वाली चीज पढ़ेंगे. पर आज अगर दम है तो पहले वो डिफिकल्ट वाला पार्ट क्लियर करते हैं. कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप आकृति का, लाइफ में अगर ऐसा कॉन्फिडेंस होना भाई साहब, तो कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत हो जाती है हमारे पास. तो ऐसा कॉन्फिडेंस रखो, आप आकृति से खुद जान सकते हो कि लिमिटेड पढ़ो, लेकिन एकदम निचोड़ कर पढ़ो, रगड़ के पढ़ो, ताकि वही चीज आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से बैठ जाए. आप पूछते हो मुझसे, सर बता दो एलन के मॉड्यूल्स बना ले, सर आकाश के मॉड्यूल्स बना ले. अरे भाई साहब, जो भी पकड़ो अच्छे से पढ़ो, और सबसे पहले समझो कि वॉट इट इज ऑल अबाउट, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. क्योंकि भाई बस पता चला कि एकदम पट्टी वगैरह मार लिए और आराम से बस पढ़े जा रहे हो, तो रिजल्ट नहीं आने वाले. एक साल में उन्होंने 676 मार्क्स लाए हैं बायोलॉजी में, 355 मैथ्स का स्टूडेंट होते हुए. तो अगर ये कर सकती है तो आप भी कर सकते हो. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां पे रहा. तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे बैठाना होगा कि कर सकते हैं. और इतनी अट्रैक्टिव जर्नी है, अब वहां पर हम लोग आते हैं, 10 साल बाद जॉब छोड़ के इंजीनियरिंग करके बिट्स पे लाने, एक बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है भाई साहब. मैंने भी बिट साइड का पेपर दिया हुआ है, ठीक है. बिट्स पिलानी में पढ़ते हुए, जॉब करते हुए 5 साल, ऐसी कौन सी चीज थी आकृति, व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स कि नहीं भाई अब जिंदगी में ऐसा कुछ ठीक नहीं हो रहा है, एमबीबीएस ही करना चाहिए. तो ऐसा क्या था? तो मैं बायो स्टूडेंट थी स्कूल में 12वीं तक, और 9-10 तक तो बहुत अच्छा था मेरा बायो. फिजिक्स भी ठीक था, मैथ्स भी ठीक था. तो ऐसा था कि कंफ्यूजन था कि क्या ले. अब होता क्या है कि 10वीं में अचानक से डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा साइंस लेना है, बायो लेना है, इंजीनियरिंग करना है, क्या करना है. तो उस समय मेरे एक भैया हैं, वो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा करते थे, तो घर आते थे बहुत बार. तो मैं वो मेरे रोल मॉडल हुआ करते थे. तो उस समय मैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस थी कि आईआईटी बॉम्बे में, हाँ भैया आईआईटी बॉम्बे में है तो मैं भी जाऊंगी, ऐसे कैसे नहीं जा सकती मैं आईआईटी बॉम्बे, कोई कैसे बोल सकता है. तो आई थिंक दैट वाज द मोटिवेशन. और मेरे मॉम डैड बोलते थे कि बेटा बायो में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, और तुम बिना मेहनत के अच्छे से कर पा रही हो, मतलब तुम्हें याद रह जाती हैं चीजें, बायो कर लो. नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग ही करना है, और बस सोच लिया है, ठीक है. तो उस समय लेकिन फिर भी मैंने थैंकफुली 11वीं 12वीं में बायो लेके रखा था, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला था लेके रख लो कोई बात नहीं. बहुत गुस्सा हुई थी मैं कि क्या जरूरत है, मतलब क्यों फालतू में पढ़ा रहे हो मेरे को बायो. बट उन्होंने बोला नहीं नहीं रख लो, क्या पता कभी भगवान जाने काम आ जाए. तो हाँ, तो लेकिन हमेशा जब मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम भी दे रही थी, उसके बाद जब मेरे बिट्स में हुआ तो बायो थी फर्स्ट ईयर में, एंड हमें जेनेटिक्स पढ़ाया जाता है बिट्स में फर्स्ट ईयर में, एक सब्जेक्ट होता है. तो बड़ा मजा आता था मेरे को, मतलब वो मेरे लिए एकदम ऐसे आसान चीज होती थी कि हाँ हाँ ये तो कर ही लेंगे, और उसमें मेरा ए ग्रेड लगता था हर बार बिना ज्यादा रोए धोए. तो वो मेरे को हमेशा अच्छा लगता था. और फिर कहीं ना कहीं आई थिंक बैक ऑफ द माइंड, डीप इनसाइड माय हार्ट, देर वॉज दिस फीलिंग ऑलवेज, जैसे 6-8 महीने में कभी एक बार रिमाइंड हो जाता था कि यार हम अगर डॉक्टर बनते तो कैसा होता, क्या कर रही होती आज मैं, कहाँ होती, कैसी जिंदगी होती. तो आपने 2010 के बाद एक बार भी सोचा नहीं कि चलो एक बार नीट देख लेते हैं, मतलब? नहीं, मुझे लगा नहीं कभी. मैं बिट्स में काफी खुश थी अपनी डिग्री से, ठीक था, मतलब इंजीनियरिंग कर रही थी, बट ऐसे वो अंदर से आग नहीं आ रही थी कि हाँ यही है जिंदगी, बट ठीक है मैंने कर लिया.
एंड फिर जब प्लेसमेंट लेना था कॉलेज का तो मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया क्योंकि मुझे टिपिकल जॉब्स नहीं पसंद थे 9 to 5. तो मैंने सोचा कि अलग से अप्लाई करूंगी कहीं पे और खुद से अप्लाई किया मेल्स लिख के फाउंडर्स ऑफ कैंपस. हाँ, और मैं शायद अपने बैच में अकेली थी जो प्लेसमेंट नहीं ले रही थी. सब लोग प्लेसमेंट के लिए कॉलेज वापस गए थे, मैं नहीं गई थी. तो उसके बाद मैंने स्टार्टअप में नौकरी लिया. मैं 10-12-14 घंटे काम करती थी सातों दिन और मुझे बड़ा मजा आता था. मैंने बहुत सीखा, मेरा कॉन्फिडेंस काफी इम्प्रूव हुआ उससे. और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्योंकि मैंने, और मतलब मेरे पास जॉब ऑफर था काफी अच्छे पैसों का जब मैंने कॉलेज छोड़ा था प्लेसमेंट में, बट मैंने लेस देन हाफ में ज्वाइन किया था जहाँ पे स्टार्टअप में गई थी. तो मनी वॉज नेवर माई, लोगों को लगता है कि बिट पिलानी से हो पैसा कमा लो, लोगों को लगता है पैसा सब कुछ है. मेरे लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आज के दिन. मेरे लिए इंटरनल हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट. तो थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा. हाँ जी, रेस्पेक्ट टू योर थॉट्स एंड सच अ ग्रेट व्यूज. थैंक यू. ऐसा बहुत लोग, बहुत कम लोग सोचते हैं आज की दुनिया में. हाँ, तो मतलब जैसे लोगों को लगता है कि पैसे के पीछे भागो, मुझे लगता है, और फेम के पीछे भागो, मुझे लगता है पैशन का बाई प्रोडक्ट होता है पैसा और फेम. आप पैसे के पीछे भाग नहीं सकते. अगर आप किसी चीज पर पैशनेट हो, आपका दिमाग दिल वहां पे है ना, तो आप अपने आप अच्छा करोगे. लाइक बचपन में जब हम कुछ लोग क्रिकेट खेलते थे तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, अचानक से वो बहुत अच्छा खेलने लगते थे. उनको कोई बोल नहीं सकता कि अरे हाँ क्रिकेट खेल पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है. राइट, तो हम करियर को एज अ पाथ टू क्रिएट मनी समझते हैं. मुझे लगता है हमें करियर को एज अ पाथ टू क्रिएट पैशन एंड आइडेंटिटी समझना चाहिए कि मतलब मैं हूँ कौन, मैं क्यों हूँ. तो वो बहुत जरूरी है. हम बहुत सारी चीजें करते हैं कि अरे मेरा दूसरा वाला बंदा ये कर रहा है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा रिश्तेदार ये कर रहा है. सबके पाथ्स अलग हैं, सब लोग एक चीज नहीं कर सकते ना, और सबकी सबका आइडेंटिटी अलग है. तो अपना आइडेंटिटी ढूंढना बहुत जरूरी है. एनीवेज, तो मैं स्टार्टअप्स में नौकरी कर रही थी एंड काफी मजा आ रहा था. मैंने काफी सीखा, काफी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस की. मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट बन गई थी एक साल के अंदर अपनी फर्स्ट जॉब में. बहुत बड़ी बात थी. एंड फिर मैंने अपना स्टार्टअप खोलने की कोशिश की, 2-3 बार फेल हो गई. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. कभी डर नहीं लगता था कि नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, देख लेंगे, मतलब क्या होगा, थोड़े कम पैसे मिलेंगे, दोबारा कर लेंगे. सीखा है एटलीस्ट फेल होकर. हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है. हम फेलियर से बहुत ज्यादा डरते हैं कि अरे नहीं वर्कआउट हुआ तो, अरे हो गया तो क्या, मतलब व्हाट अबाउट इफ इट हैपेंस. और हमें लगता है कि मतलब जैसे नहीं नहीं दोबारा से शुरू करेंगे तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी. मुझे लगता है कि मेहनत से क्यों डरना है, मतलब जो चीज, हर चीज में मेहनत है. तो वो चीज में मेहनत करो एटलीस्ट जो पसंद है, फालतू में किसी और चीज में मेहनत करने का क्या फायदा. सो वैसी थी जर्नी. एंड फिर लास्ट 2 साल मैंने एक हेल्थ केयर स्टार्टअप में बिताए. मैं वहाँ पे ऑपरेशंस हेड करती थी. मेरे अंडर 100 लोगों की टीम थी और मैं पूरा उनका कंटेंट डिजाइन, मार्केटिंग, कुछ यूजर इंटरेक्शन एंड इनफैक्ट कंपनी का मीडिया पीआर कवरेज सब कुछ देखती थी. मैं सीईओ की राइट हैंड थी और मतलब जो भी फटता था सब मेरे ऊपर आता था. तो बहुत ज्यादा नौकरी थी बट बड़ा मजा आया. मैंने बहुत 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 सीखा. एंड उस समय मेरे साथ 2 डॉक्टर्स थे जो प्रेग्नेंट मॉम्स और छोटे बच्चों की माओ के लिए एडवाइस देते थे हमारे प्लेटफॉर्म पे. एक डॉक्टर बड़ी अच्छी दोस्त थी मेरी, तो वो मुझे बोलती थी कि, मैं देखती थी उनको कि वो क्या कर रही है अपनी लाइफ में. तो मैं उनको कभी कभी बोलती थी कि यार आपको पता है मेरे को भी डॉक्टर बनना था बचपन में 9th स्टैंडर्ड में. तो बोलती थी कि हाँ तो अब बन जाओ, क्या दिक्कत है. तो मैं बोलती थी नहीं नहीं अभी तो 27-28 की हो गई हूँ, मतलब बहुत ही मुश्किल है, बहुत लेट हो गया है, अब कैसे होगा, शायद पढ़ भी नहीं सकते इंडिया में अब तो, मतलब और मुझे US जाने का इतना है नहीं अभी. तो मजाक में ऐसे बातें हम जोक किया करते थे फिर. ठीक है, तो आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन होते रहते थे. तो मैं कभी ना कभी, मुझे वो चीजें याद आती थी कि हाँ अगर मैं डॉक्टर होती तो कैसा होता. बट मुझे लगता था ठीक है अब जो कर रहे हैं इट्स ऑल्सो गुड इनफ. तो जनवरी 2020 में मैं बीमार पड़ गई थी एंड मार्च तक मैं काफी बीमार थी. तो मैंने फिर अपनी नौकरी छोड़ दी थी मार्च में. एंड कोरोना के टाइम उस समय, हाँ जी, और उस समय लॉकडाउन भी लग गया था. जस्ट लॉकडाउन के 2 दिन बाद बाय चांस ऐसा हुआ. तो मेरे पास ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं. तो मैंने 3 महीने कुछ नहीं किया. 3 महीने बस योगा किया, पेंटिंग किया, थोड़ा टाइम पास किया, मूवीज वगैरह, सीरियल्स वगैरह देखती थी, टीवी सीरीज, बुक्स पढ़ती थी,
टाइम पास करती थी. तो आई वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक. तो जैसे इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अरे गैप आ जाएगा सीवी पे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 3 महीना क्यों नहीं नौकरी की. तो हमें उस चीज से भी बाहर निकलना चाहिए. इट्स ओके नॉट टू वर्क फॉर 2-3 मंथ्स, 1 ईयर, क्या फर्क पड़ता है उससे. मतलब ऐसी जगह पे नौकरी करनी क्यों है जो तुम्हारा गैप भी नहीं समझ सकता, राइट? क्या फर्क पड़ता है? सही बात, सही बात. समय कोविड था, लोगों की नौकरी जा रही थी एंड आई वॉलंटरीली स्टेड एट होम कि नहीं मेरे को तो नहीं करना है, अभी देखेंगे, देखा जाएगा क्या होता. तो वो था. एंड जुलाई में फिर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, आई वॉज फीलिंग बेटर, मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हो गई थी. एंड फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या करना है. तो फिर मैंने सोचा कि या तो मैं अपनी पुरानी नौकरी में वापस जाऊं, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप काफी अच्छा था फाउंडर के साथ एंड वो बुलाते रहते थे, आ जाओ यार आ जाओ, बस हो गया, सब फट रहा है, अब आ जाओ, बहुत हो गया. तो मैं उनको बोलती थी हाँ हाँ देखती हूँ, आती हूँ, सोचती हूँ, या फिर मैं कोई और नौकरी ले लेती, या फिर मैंने सोचा कि मैं योगा टीचर बन जाती हूँ, या फिर मैं डांस किया. कौन से मंथ में? मार्च में किया था मैंने, मार्च में किया था. एंड जुलाई में फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए. तो फिर मैंने सोचा कि विमेन एम्पावरमेंट में काफी मुझे इंटरेस्ट है. तो मैंने सोचा कि एक एनजीओ खोल लेती हूँ फॉर विमेन अक्रॉस इंडिया, या फिर मैं जेंडर स्टडीज पढ़ लेती हूँ जामिया मिलिया या कहीं से. तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी एंड कंफ्यूज थी काफी, कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो उस समय मेरे एक दोस्त है, उनसे बात किया, वो करियर कोच है, मतलब वो सबको गाइडेंस देते हैं. तो मैंने ऐसी उनसे एक बात की कि यार बहुत स्टक फील हो रहा है लाइफ में, क्या करना चाहिए. सो ही सेड दैट उन्होंने मेरे साथ इकिगाई एक्सरसाइज की. उसमें 4 circles होते हैं. 1 circle इज वॉट यू लव, 2nd इज वॉट यू गुड एट, 3rd इज वॉट विल पे यू मनी, एंड द 4th इज हाउ मच कैन सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम इट. तो अगर ये 4 circles में आपका करियर कोई फिट हो रहा है तो दैट मीन्स दैट इज योर कॉलिंग, आपको वही चीज करनी चाहिए लाइफ में. सो वो किया, उन्होंने बोला कि आप सेल्स या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जाओ, आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है, आप अच्छा करोगे. फिर मैंने सोचा ठीक है, कॉल रख दिया. एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट असेसमेंट, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी वापस से. तो फिर मैंने वापस से सोचा. तो हम बेसिकली ये सोचते हैं कि हम ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट के आधे पे चढ़ चुके हैं, तो अब ऊपर कैसे चढ़ा जाए, है ना, ऊपर पीक तक कैसे जाया जाए. बट हम ये नहीं सोचते, क्या पता माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का मन ही नहीं है, अब क्या हो गया. नीचे उतर के देखते हैं ना कि कौन से पे चढ़ना है, क्या पता ना चढ़ना हो. वी नेवर लुक बैक. हमें लगता है कि अब आधा आ गए हैं तो पूरा भी घिसड़ लो, मतलब रैट रेस में सबको उसी में भागना चाहता है. उसी में भागना चाहता है कि जैसे इंजीनियरिंग कर ली तो MBA कर लो, इंजीनियरिंग कर ली तो सिविल सर्विस कर लो. मुझे लोग पूछते हैं कि अरे IAS ऑफिसर बन जाते, ये क्यों? मेरे को भी बोला गया. हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग कर ली है ना, तो उसके ऊपर करो. अब वापस से काय को जाना, वापस से 12वीं का थोड़ी पढ़ोगे, पागल हो गया. तो ये सब चीजें हैं. तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि मुझे बचपन से क्या शौक था और मैं हमेशा से क्या सोचती थी. मैंने सोचा कि यार डॉक्टर तो बनना ही था, मन था, बट बने नहीं. उस समय इंजीनियरिंग की होड़ मच गई थी एंड काफी कुछ पता नहीं था उस टाइम पे कि मतलब हाँ, ये चीजें भी हो सकती हैं. अवेयरनेस नहीं थी, मतलब जिंदगी में पता नहीं होता 18 साल पे क्या करना है. और हमें लगता है 18 साल में कोई चीज चूज कर ली तो बस वही करना है, ऐसा नहीं है. अरे बेटा इंजीनियर बन जाओ, अरे बेटी ये कर लो वो कर लो. लगता है कि मतलब जैसे 25 के बाद अब ठीक है नौकरी कर ली, सेटल हो गए, चलो शादी कर लेते हैं, मतलब वही पाथ पे हम चले जा रहे हैं. 25 में ये, 28 में ये, 30 में ये, 35 में ये. आई थिंक वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, एंड थिंक कि हमें क्या चाहिए. तो फिर मैंने सोचा कि यार मेडिसिन का शौक तो था. अब मतलब वो ऐसा होता है ना कि मजाक सा लगता है दिमाग में कि क्या ही बकवास कर रही हूँ मैं अपने आप से, पागल हो गई हो शायद, कुछ भी सोच रही हूँ. बट वो चारों सर्कल्स फिट हो रहे थे इकिगाई के. एंड फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, पढ़ के देखती हूँ, फ्री यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ के देखती हूँ क्या क्या चल रहा है, कौन सी किताबें हैं. समझ ही नहीं आ रहा NCERT है भी कि नहीं, अभी उस समय पढ़ी थी, क्या कौन से चैप्टर हैं, देखती हूँ एक बार. पढ़ा तो बड़ा मजा आया. आई स्टडीड फॉर 10 hours दैट डे विदाउट एनी वन टेलिंग मी. 10 घंटे बालोजी? हाँ, बस ऐसे वीडियो पे वीडियो एंड नोट्स बनाते जा रही थी. हाथ दुख रहे थे, कुछ लिखा नहीं जा रहा था, राइटिंग एकदम घटिया थी. आप वो किताब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 2nd standard के बच्चे की डायरी है शायद. और बड़ा मजा आया उस दिन. और उस रात जो नींद आई ना, मुझे शायद 2-4 साल में आई नहीं वैसी नींद. लगा कि आज कुछ किया है लाइफ में. फिर अगले दिन सुबह उठी, वापस से पढ़ना शुरू किया. और अकेली थी तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं था. मैं बैंगलोर में रहती थी उस समय, तो कोई था नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं ये कर रही हूँ, पेरेंट्स को भी नहीं बताया था. तो शुरू किया. उनको नहीं पता था उस समय पर? नहीं,
एंड वो पूछते रहते थे क्या सोचा, मतलब जॉब करना है, क्या करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ सोचा है, क्या करना चाहती हो. आई सेड कि पता नहीं, सोच रही हूँ, अभी देखते हैं. एंड फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा हो सकता है कि ये चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो वाली बात होती है ना कि अभी तो मजा आ रहा है, बाद में पता नहीं क्या होगा, ऐसे ही हवा में बोलने से क्या होता है. तो मैंने सोचा कि अगर मैं अगले 15-20 दिन रोज इसी डेडिकेशन के साथ, बिना चिड़चिड़ किए, बिना क्रिब किए कि क्या है ये, क्यों है ये, क्यों पढ़ना है, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं सीरियसली लूंगी इस चीज को, नहीं तो नहीं लूंगी. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. तो फिर मैंने अगस्त में क्लास ज्वाइन किया एंड प्रेपरेशन शुरू किया. फिर मॉम डैड को बताया कि क्लास का फीस भर दिया है मैंने, तो थोड़े सरप्राइज थे, शॉक थे. तो पूरा एक साल घर पे रह के मतलब आपने पढ़ाई की है? घर पे नहीं थी मैं, अकेली थी मैं कोविड में, पूरा कोविड में अकेली थी मैं बैंगलोर में. हाँ, अपना काम खुद करती थी, अपना खाना खुद बनाती थी, अपने कपड़े खुद धोती थी, सब कुछ खुद करती थी. एंड बताओ भाई साहब, आप लोग ये बोलते हो कि घर में सर अकेला रूम नहीं मिला है, ये खाना भी खुद से बनाती थी, सारा काम भी खुद से करती थी, एक अलग से प्रेशर था कि भाई 10 साल बाद सबके अगेंस्ट जाके, मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट में जाकर ये चीजें कर रहे हैं, तो अगर कहीं भी फेल हो गए तो भाई साहब मजाक उड़ाने वाले बहुत लोग होते हैं. अल्टीमेटली वो मैटर नहीं करता, बिकॉज एक्सप्लोर एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड डू द वन व्हाट सूट्स यू. क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हो ना, तो अल्टीमेटली यार मौत तो सबको आनी है, और मौत से पहले एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना भाई, कि हाँ जो सोचा था वो किया, राइट? यस, एब्सोल्युटली. मरना तो है ना, मुझे भी यही लगता था कि यार फायदा क्या है इधर, अगर मैं मार्स से देख रही हूँ सबको, हम सब एक डॉट हैं, मिट्टी के डॉट हैं, राइट? इफ आई लुक फ्रॉम मार्स, फायदा क्या है? देखो आज के दिन अगर मैं मर जाऊंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा देश को, सही बात है. मैं ऐसा कुछ उखाड़ नहीं रही हूँ, बट अपने लिए ही कर रही हूँ, किसी और के लिए ना सही, क्या फायदा दूसरों को कुछ करके जब खुद को नहीं कर सकते. तो आकृति वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती थी, और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वो लाइव एग्जांपल बन चुकी है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इंस्पायर्ड अ लॉट. ठीक है, मतलब आप बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी है, और बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर्ड करने वाली है. ये वीडियो तो हमेशा यूट्यूब पे रहने वाला है, तो बहुत लोगों की जिंदगी बदलने वाली है. तो अल्टीमेटली यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. आकृति, बहुत अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए कि मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ. तो एक सोशल स्टिग्मा होता है आकृति, कि अगर सोसाइटी में ये लड़की है तो 23 साल पे शादी कर लो, 25 साल पे कर लो, 26 साल पे कर लो. तो आपके फैमिली से भी ऐसा कुछ था क्या कि हाँ भाई साहब 28-29 साल की उम्र हो गई है, तो अब ये सब क्या, शादी के बाद शादी करो, जिंदगी सेटल हो गई, ऐसा कुछ? पेरेंट्स को पता था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ. मुझे एक चीज ये बतानी है कि बहुत लोगों का ईमेल आता है, लड़कियों का स्पेशली आजकल, जब से टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल निकला है, तो कुछ लोग अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि दीदी घर से बहुत प्रेशर है, माँ बाप बोल रहे हैं कि 25 के हो गए हो, अब क्या करोगे पढ़ के. मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बचपन में आप कोई खिलौना चाहिए होता था तो जिद करते थे ना, सब करते थे, माँ बाप मना करते, बट मैं तो लेट जाता था पूरा एकदम. जिद क्या की, जिद क्या की, जिद क्या की जीत है ना, आपने उस समय जिद की तो अब क्यों नहीं जिद कर रहे हो. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता. हाँ, ऐसा हो सकता है कि देर से वो चीज मिले, थोड़ा लड़ झगड़ के मिले, अपने आप को खत्म करके मिले, बट मिल तो सकती है. जैसे मुझे भी ऐसे लोग बोलते थे कि शादी नहीं करने क्या, बच्चे नहीं करने क्या, ऑलरेडी 29 की हो, 35 में डॉक्टर बनोगी और सुपर स्पेशलिटी करने के बाद 40-45 हो जाएगी उम्र, रिश्ते नहीं आएंगे, लाइक भाई ऐसे. हाँ, तो मतलब यार क्या फर्क पड़ता है, मतलब जरूरी थोड़ा ना सबको शादी करनी है. और शादी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइफ, शादी कोई हाईलाइट ऑफ लाइफ नहीं है, एक पार्ट है जिंदगी का. देखो अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप किसी और को खुश भी नहीं कर सकते. बिल्कुल, उनसे शादी करो. बिल्कुल बिल्कुल. तो जिद करो. जो लोग मुझे बोलते हैं कि मान नहीं रहे मान नहीं रहे, मनाओ ना यार, क्यों नहीं मान रहे. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यही चीज करनी है तो तुम पक्का मना पाओगे. अगर अंदर से वो आवाज आ रही है तो मनाओ ना, क्यों प्रेशर में आ रहे हो. जबरदस्ती तो बहुत कम लोग करते हैं आजकल, मान ही जाते हैं अल्टीमेटली. थोड़ा प्रॉब्लम होता है, रोना धोना होता है. अब ये एक्सपेक्ट करोगे कि सब स्मूथली हो जाए, एक बार में बोलेंगे किसी को कि करना है और मान जाएंगे, ऐसे तो नहीं होता. मतलब वो बच्चा होता है ना, वो हमेशा जिंदा होना चाहिए, हम लोग भले कितने बड़े हो जाए. लड़ना तो पड़ेगा ही ना. हम बचपन में रोते थे ना अटेंशन पाने के लिए, तो रो ना, लेट जाओ घर पे कि नहीं यही पढ़ेंगे, यही करेंगे, वो करना कर लो, नहीं करेंगे. एग्जांपल, तो
ये सब बहाने हैं, मैं डिस्करेज नहीं करना चाहती, बट ये सब बहाने हैं कि सही बात है, नहीं सही बात है, ये करना टोटली पड़ेगा, एग्री। लोग बोलते हैं, अरे लोगों को बोलने दो भाई, तुम अपनी मर्जी से चीजें करते ही हो ना, तो ये भी कर लो ना, अगर तुम्हारा मन है तो कर लो। सो दिस इज माई मैसेज टू एवरीबडी दैट लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम यही है कि आप कुछ भी कर लो, लोग उसमें प्रॉब्लम निकालेंगे लाइफ में, अरे अपने यहाँ लिए तो करो। लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी पता चला 20 लाख के भी पैकेज होती है। अरे प्राइवेट जॉब तो है भाई साहब हाँ बताओ, प्राइवेट जॉब तो है भाई साहब, तो लोग तो कुछ भी बोल मतलब देते हैं किसी को भी। आपको लगता होगा कि जैसे मैंने, मतलब मेरी स्टोरी इंस्पिरेशनल है, आप ट्विटर पे जाओगे ना तो आपको पता है लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, देर इज सो मच ऑफ हेटरेड राइट नाउ, लोग मुझे गाली दे रहे हैं कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं भद्दी दिखती हूँ एंड मेरी शादी भी नहीं होगी। हाँ तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि आज के दिन भी जैसे मुझे यूट्यूब पे काफी पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, बट अगर आप असलियत सुनना चाहते हो तो आज के दिन भी बहुत लोग हैं जो मुझे गाली दे रहे हैं। ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं कि मेरी शादी नहीं होगी कभी और मैं ओ मेरा कुछ नहीं भाई होगा लाइफ में, साहब, ठीक तो क्या ही फर्क है। पड़ता है अब तो यार, मेरा ऐसे लोगों को कुछ होता मेरा नहीं पॉइंट ये अल्टीमेटली। है कि आई नो, मेरा पॉइंट ये है कि बोलने वाले हमेशा मिलेंगे, है ना। इंदिरा नोई को भी लोग गाली ही देते हैं कि अरे फैमिली पे ध्यान नहीं दिया, सीईओ बन गई पेप्सिको की, भैया तुम बन के दिखा दो ना, मतलब इतना है तुम सही बात है। तो डोंट वरी अबाउट हेटर्स। जैसे लोग मुझे पूछते हैं नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, चमड़ी मोटी कर लो लाइफ में, क्योंकि गाली देने वाले बहुत हैं, इट डज नॉट मैटर, एंड कट ऑफ नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ, कट ऑफ पीपल हु डोंट सर्व यू हैप्पीनेस, बी सराउंडेड, मतलब उन लोगों से बात करो जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं लाइफ में, चाहे वो दो ही लोग हो, 50 लोगों को, 50 लोगों के इंस्टाग्राम पे लाइक से क्या करोगे भाई, मतलब दो लोगों का बैकएंड सपोर्ट होना चाहिए। ये सब फेक है कि मतलब लोग एक्सटर्नल देखो, हैप्पीनेस ज्यादा ढूंढ रहे हैं आजकल। हाँ आप किसी और से वैलिडेशन नहीं मांग सकते, अगर इंटरनली खुश हो तो क्या फर्क पड़ता है। मॉन्क जो होता है, जो सेवा करता है बुद्धिस्ट टेम्पल में, उसको कौन सा वैलिडेशन मिलता है, वो अपने लिए कर रहा है, एंड दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल राइट। तो अंदर से वैलिडेशन रखो, बाहर से छोड़ो। लोग, उन लोगों को लगता है कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, आप मुझे मोटिवेट कर दो, मैं नहीं कर सकती मोटिवेट, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं समझ अंदर रहा से हूँ वो आपकी बात। मोटिव। हाँ और दूसरी बात यह है कि जैसे मेरे भी काफी सारे हाई लो थे, कुछ कुछ दिन होते थे जब मेरी तबीयत खराब होती थी या कोविड चल रहा था, मेरे आसपास काफी लोगों को कोविड हो गया था, मेरे फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कोविड था, तो एंग्जाइटी होती थी, कुछ दिन बहुत बहुत खराब गुजरे हैं टुवर्ड्स दी प्रेपरेशन। बट डिसिप्लिन अगर है ना तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा बस एक ही लाइफ में वो है, मोटिवेशन आता जाता रहता है, बट डिसिप्लिन अगर है तो मोटिवेशन जिस दिन नहीं है उस दिन भी रहेगा। किसी दिन लगता है ना कि यार भूख नहीं लग रही, नहाने का मन नहीं है, ब्रश करने का मन नहीं है, करते हो ना, क्योंकि करना पड़ेगा, क्या कर सकते हो, सफाई करते हो ना घर की, क्या कर दैट इज सकते हो। नेसेसिटी। यस डिसिप्लिन अगर है तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। मोटिवेशन तो यार आता जाता रहता है, मूडी चीज है, कभी है कभी नहीं है, कभी घर भाग गया कभी आ गया, छोड़ो उसको, डिसिप्लिन बनाओ अपना। आकृति, यहाँ पे मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। जैसे बहुत जी सारे बच्चे होते हैं ना, वीडियोस पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि 4 बजे सुबह कैसे उठे, एनसीईआरटी कैसे पलटे। आप बता दो यार, आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। मुझे तो लगता है यार ये मतलब टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। सुबह 4 बजे कैसे उठे, एनसीईआरटी कैसे पलटे, मेरी भी स्टोरी ऐसी थी, बाप रे बाप, क्या ही यार मैं बोलो 4 बजे ना आज तक नहीं उठी हूँ, बस एक दो हफ्ते से उठ रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करने जाती हूँ आसपास, इसलिए 4 बजे अच्छा उठती हूँ घूमने के लिए। आज अच्छा तक लाइफ में मैंने 4 बजे उठ के पढ़ाई नहीं की है। देखो पढ़ आप कभी भी सकते हो, 24 घंटे है ना, कोई भी 24 घंटे पढ़ लो, ये बस बोलने की बात है कि मैं रात रात भर पढ़ता हूँ दिन, ये आजकल नया फैशन है कि रात में पढ़ो उससे नंबर आते हैं, अरे ऐसा नहीं होता यार, कभी भी पढ़ लो, पढ़ने वाला इंसान कहीं भी पढ़ सकता है। मैं ऑटो में जब जाती थी कहीं, जैसे मैं अपनी वैक्सीन लगाने गई थी 2 बार, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, वैक्सीन की लाइन थी ठीक है आधा घंटे की, मैं फोन में PDF खोल के बैठ गई थी एनसीईआरटी का, कि बोर हो रहा है यार कुछ पढ़ लेते हैं, मतलब ऐसे ही ऑटो चलते में फिरते। पीडीएफ स्क्रॉल हो रहा है, हाँ मतलब वाह। इतना शौक था ना मुझे, मतलब कोई चीज शौक से करते हो ना तो वो बर्डन नहीं लगता है, मुझे ना हम कर शौक जाते हैं था। वो।
हाँ मुझे शौक था एनसीईआरटी पढ़ने का कि कितनी सही किताब है यार, कि किसने लिखी है ये किताब, ये कौन है ये इंसान. मतलब आई फेल इन लव विद, आई एम नॉट किडिंग, आई एक्चुअली फेल इन लव विद एनसीईआरटी. एंड मेरी किताबों के पन्ने फट गए हैं, वो छेद हो गया है उसमें, वो किताबें हैं अभी भी, बट इट इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन लव योर जर्नी. मुश्किलें हैं बट आसान भी है. मतलब फोन तो सबके पास है, पीडीएफ खोल लो यार एनसीईआरटी का और स्क्रॉल कर लो. मतलब क्या फर्क पड़ता है, लाइन में आधे घंटे में मेरा एक चैप्टर पढ़ लिया मैंने, काम खत्म. तो मुझे नहीं लगा कि मैंने टाइम वेस्ट किया. समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ. मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पास बायो भी था, मैथ्स भी था, एकदम फट गई थी मेरी लाइफ में. तो क्योंकि क्लास जाती थी 1.5 घंटा दूर था, बस से जाती थी. बॉम्बे में बस से जाना भीड़ भाड़ एकदम होता है, कभी देखा है आपने तो. मेरा बायो सिर्फ मैं बस में पढ़ती थी, 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना. लोग मुझे घूरते थे कि क्या पागल है, और मैं ध्यान नहीं देती थी. तो आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कह रही हूँ. मतलब लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, तुम्हारे पास बहुत ये रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है. ऐसा नहीं होता, पैसा होने से पैशन नहीं क्रिएट हो सकता. और कोई मिलियनेयर आज तक मिलियनेयर इसलिए नहीं बना क्योंकि उसको पैसे कमाने थे, ये बात सिद्ध कर लो लाइफ में. बात सही है, पैशन को फॉलो किया उन्होंने. पैशन से बनते हैं लोग. यूट्यूबर पैसे कमाते, लोग बोलते हैं अरे यूट्यूबर ने पैसे कमाने के लिए नहीं खोला है. पैशन के लिए खोला होगा, वो अच्छा कर रहा है तो उसको पैसे मिलते हैं. एग्जाम्पल राइट. सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू लव. और उसमें ना ग्लोरी अलग आती है. चाहे आपको पहाड़ चढ़ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई करो, अगर आपका शौक है कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो तो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे क्योंकि आपका पैशन है. आपको कोई 4 बजे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उठ के भागोगे ऊपर चढ़ने के लिए राइट. तो और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपने 4 बजे उठने वाली चीज कही, मैं 2 से 5 के बीच में बहुत ज्यादा पढ़ती थी क्योंकि मेरे को अपना साइकोलॉजिकल क्लॉक ठीक करना था. क्योंकि मेरी आदत अलग थी, 10 साल से कोई पढ़ाई नहीं की है, कुछ मटरगस्ती चल रही है लाइफ में, टाइम पास कर. मेरा वीकेंड वाज लाइक हाँ काम खत्म, नौकरी खत्म, अब चिल मारेंगे. बट नाउ इट वाज डिफरेंट. मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो रात में ही हमारा जगना ज्यादा होता है. हाँ बट नीट का ऐसा लगता था कि जैसे 2 से 5 नीट का पेपर होगा. तो यार 2 से 5 ना ब्रेन को ऐसी आदत पड़ जाए एक साल में कि एकदम फुर्तीला हो जाए. 2 से 5 तो दिमाग एकदम बढ़िया चलना चाहिए. तो 2 से 5 में क्या हमेशा ज्यादा पढ़ती थी कि कोई भी मॉक टेस्ट होता था 2 से 5, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था 2 से 5. मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं रात को नहीं पढ़ती थी, बट मैं 2 से 5 तो बिल्कुल बिल्कुल पढ़ती ही थी. मैंने स्केड्यूल बना लिया था कि 2 से 5 में नहीं सोऊंगी. मेरा अपना है ये, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं कर सकते. आप कुछ भी कर सकते हो, आप रात को भी पढ़ सकते हो. मैं बस अपनी चीज बता रही हूँ कि मुझे अपने आप को साइकोलॉजिकली कैसे उसको, मतलब आई हैड टू ट्रेन माई सेल्फ. जैसे कुत्ते को ट्रेन करते हैं ना कि रोज ये करना है, तो एंड में वो चीज नई नहीं लगती. जैसे मैंने नीट का पेपर दिया उस दिन मेरे लिए रेगुलर था, रोज 2 से 5 पेपर लिखते हैं, आज कहीं और जाके लिखना है, बस बात एक ही. तो साइकोलॉजिकली जब आप उस चीज को घुसा लेते हो अपने दिमाग में तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. मतलब वो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है सुबह 4 बजे उठो ये करो वो करो, मतलब टाइम ऑफ वेस्ट ही है यार. वीडियो मोटिवेशन, वीडियो देखने से थोड़ी ना मोटिवेशन आता है, अंदर से मोटिवेशन आता है. मतलब सब फर्जी है. हमें लगता है कि 4 वीडियो देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू जलना पड़ता है. पढ़ाई करेंगे तभी रिजल्ट आता है राइट. कोई भी चीज हो, मतलब एथलीट बनोगे तो भागना पड़ेगा ही ना. मतलब 100 किलोमीटर भागना ही पड़ेगा भाई तुम्हें हर हफ्ते. क्या कर सकते हैं उसमें, लोग थक जाते हैं. एवरीथिंग इज सैक्रिफाइशियल इन लाइफ, नथिंग कम्स इजी. तो फालतू चीजों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो. अल्टीमेटली खुद को तपाओगे, खुद से मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा. ये नहीं कि भाई साहब 5-6 वीडियो देख लिए दिन भर में, एकदम देखे जा रहे हैं बस, और टाइम बस उसका आपसे आपका वेस्ट हो रहा है. तो टाइम वेस्ट होगा तो अल्टीमेटली आप लास्ट में आप खुद होगे जो रिग्रेट करोगे. और जो रिग्रेट होता है ना भाई साहब, अगर वो जिंदगी भर रह गया तो आपको हमेशा ड्रैग करेगा, हमेशा पीछे खींचेगा. तो उस रिग्रेट को प्रोड्यूस मत करो क्योंकि उसको प्रोड्यूस भी आप ही करोगे. तो फालतू के वीडियोस पर टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो. और आकृति, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि हाँ मुझे नीट करना है इस साल, तो वो सपोर्टिव थे कि हाँ भाई कर लो पूरी तरीके से, या फिर ऐसे कोई रिलेटिव्स वगैरह थे जो बोल रहे थे कि नहीं 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 करना चाहिए ऐसा कुछ? तो पेरेंट्स को बताया था, थोड़े शौक थे, पूछ रहे थे क्यों करना है, कुछ और कर लो अगर मन है तो पढ़ने का. उनका पढ़ाई को लेके हमेशा सपोर्टिव रहा है. बट उनका ये था कि ऑलरेडी 10 साल तुमने आगे चीजें कर ली हैं तो वापस क्यों जाना चाहती हो. तो उनको समझाया, रोज समझाती थी अलग अलग तरीके से. एंड वैसे सपोर्टिव थे, पूछते रहते थे कितने नंबर आए, कैसा चल रहा है.
पढ़ाई में मन लग रहा है, ठीक तो है ना, कुछ चाहिए तो बताओ. तो मैं ज्यादा बताती नहीं थी, मैं बोलती थी कि यार अभी आप एंड में रिजल्ट देख लेना, अभी मैं कुछ बताऊंगी नहीं, क्योंकि फिर हो सकता है ना कि आपकी होप्स ऊपर आ जाए, आपको लगे कि हाँ हाँ हो जाएगा. और हमने किसी को ज्यादा बताया नहीं था बाहर, क्योंकि मुझे पता था कि उससे अननेसेसरी सवाल आएंगे. सो आई वॉन्टेड टू कीप इट क्लोज निट, क्योंकि पेरेंट्स को ज्यादा सवाल पूछते हैं लोग मुझसे ज्यादा. तो फिर हमने ज्यादा किसी को बताया नहीं था रिजल्ट आने की. इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपना स्कोर तक कैलकुलेट नहीं किया था जिस दिन रिजल्ट आया. मैंने 1 नवंबर को अपना रिजल्ट देखा है. नहीं, क्योंकि मेरे को काफी डर लगता था एक्चुअली, अंदर से बहुत फट रही थी मेरी, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मेरे कितने सही होंगे. मतलब पेपर 716 का करके आई थी, बट होता है ना कि 2 से 2+2, मैंने 2+2=5 भी किया था एग्जाम में, ठीक है, तो उसको ठीक भी किया था. तो मैं श्योर नहीं थी कि मेरे कितने सही होंगे, तो डर था. एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं सिलेक्शन होगा, दोबारा मेहनत कर लेंगे. मतलब अभी तो मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे पता था मैं देख लूंगी तो फिर रोज रात को नींद नहीं आएगी सोच के कि यार ये क्यों गलत कर दिया, वो क्यों गलत कर दिया. मतलब ये मेरा अपना खुद का है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको स्कोर नहीं देखना चाहिए, बट मैं काफी डरी हुई थी. तो जब 6 बजे के आसपास मेरे को ईमेल आया एनटीए से, तो मैं ऐसी बैठी हुई थी और रिजल्ट का कहीं अनाउंसमेंट नहीं था. आई थिंक जस्ट ईमेल आया था, और फिर मैंने खोला और देखा कि 676 स्कोर है और 1118 रैंक है. तो मम्मी पापा को बताया, और चाय पी रहे थे शाम को 6 बजे, मैंने बताया और वो एकदम ऐसे चेयर से कूद गए कि क्या. अरे वाह भाई. और मतलब एक बार तो बोला कि ध्यान से देख लो, सही तो बोल रहे हो ना, मतलब एक जीरो तो नहीं छोड़ गया पीछे, 11,000 तो नहीं है रैंक. तो मैंने बोला हाँ हाँ मैं काम करती हूँ, आपको भेजती हूँ, आप एक बार फिर से देख लो, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, और आप एक बार देख लो फिर से. एंड या सो उसके बाद मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया कि देखने के लिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है स्कोर में, एंड इन केस आई वांट टू करेक्ट द स्कोर एंड एवरीथिंग. फिर मैंने 4-5 दिन बाद अपना स्कोर कैलकुलेट किया. तो मतलब ऐसा ही था. सपने सच में सच होते हैं अगर लगन होती है तो. कोशिश करने वालों में कभी हार नहीं होती. अगर आपने कोशिश नहीं की तो बिल्कुल हार हो जाएगी, या फिर अगर आपकी हार हो भी गई मतलब आपने 100% कोशिश नहीं की. एज इज नेवर अ बैरियर टू योर पैशन, आकृति गोयल ने यह साबित कर दिया है. और मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई साहब, आज तक मैंने ऐसा पर्सन कभी नहीं देखा. गजब का कॉन्फिडेंस लेवल है भाई साहब, मैंने इतना कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं देखा. मैंने और भी लोगों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन ये जो ग्लो है इनके चेहरे पे, ये जो सच्चाई है इनकी आवाज में, मैंने कभी फील नहीं की. तो आकृति गोयल, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ध्यान से आपकी बातों को सुन रहा हूं, कि मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन टू मी ऑल्सो, कि कोई कैसे कर सकता भाई. मैं अपनी बात करूं तो मैं 10 साल बाद पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, मैं इतने प्रेशर में पढ़ाई नहीं कर सकता हूं. अल्टीमेटली यू आर ओवर मी, आप मुझसे ऊपर हो यार. ये बोलने में मतलब मुझे, मैं हेसिटेट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप बेहतर हो. सब अलग होते हैं. आई थिंक आप जो कर रहे हो बहुत अलग चीज है, मैं जो कर रही हूँ बहुत अलग चीज है, कंपैरिजन है ही नहीं. ऊपर नीचे कोई नहीं होता यार. अल्टीमेटली हम सबको अपनी लाइफ जीनी है, हम सबके पास अलग हैं. अल्टीमेटली ऐसा होगा कि एक दिन मैं मर जाऊंगी, एक दिन आप मर जाओगे, एक दिन दुनिया मर जाएगी, कुछ नए लोग आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे, ये बस टेंपरेरी है. बट मुझे बस ये पता है कि, और एक चीज बोलना चाहूंगी कि फेलियर से मत डरिए. फेल तो सब होते हैं, मैं बहुत बार फेल हुई हूँ लाइफ में. फेलियर इज ओके, बट फेलियर से वापस ना आना इज नॉट ओके. बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है जिंदगी में. हम सोचते हैं कि फेल हो गया कुछ नहीं होगा. मैं बोलती हूँ कि फेल हो गए तो चलो कोई नहीं, एक दरवाजा बंद हुआ है तो ढूंढते हैं ना, बहुत कुछ है आज के दिन, बहुत कुछ है करने को. तो मेरा बस ये मैसेज है कि यस, मेहनत करने वालों की कमी है देश में. सही बताऊं तो मैं लोग गवर्नमेंट जॉब लेके बस, हाँ भाई 8 घंटे की जॉब है, 4 घंटे बस काम करना है. समझता हूं तो मैंने, मतलब मैंने एक्चुअली अपनी पिछली जॉब में जहाँ 2 साल काम किया था हेल्थ केयर स्टार्टअप में, मैं कम से कम 1,000 इंटरव्यूज लिए थे, क्योंकि मैं खुद हायर करती थी सबको, मैंने खुद एचआर राउंड्स लिए सबके. एंड मेरी एक लर्निंग थी कि स्किल जो है ना वो सेकेंडरी है. जो आपका स्किल है, मतलब कि कैसे, जैसे आप यूट्यूब बनाते हैं, मैं जैसे अब मैं यूट्यूब बनाना सीख रही हूँ मेरे चैनल पे, वो सेकेंडरी है, मेरा पैशन पहले है. यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगा. आकृति गोयल का एक YouTube चैनल भी है, नीट वन शॉर्ट्स विद आकृति नाम से. तो ये तो इनका एक वीडियो होगा मेरे साथ इंटरव्यू. उसके बाद भी ये अपने चैनल पे रेगुलर वीडियोस डाल रही हैं. इनके लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हो और बहुत सारी बेहतरीन चीजें सीखना चाहते हो तो नीट वन शॉर्ट्स विद आकृति, ये इनका यूट्यूब चैनल है, आप उसको बिल्कुल सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि दिल से ये बहुत बहुत प्यारे इंसान है, बहुत मजा आएगा आपको.
और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे थे? नीट शॉर्ट्स विद आकृति, आपने गलत चैनल बता दिया, फिर से सॉरी बता दो। आप बता दो, आप बता दो। नीट शॉर्ट्स विद आकृति, नीट शॉर्ट्स विद आकृति। हाँ ठीक है, तो हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम चीजें तो सीख सकते हैं बाद में, बट लगन पहले होनी चाहिए। जैसे मेरे मेरी लाइफ में बहुत ऐसे लोग मिले जो कि दे वर नोबडी, एंड उन्होंने बस चाहत से चीजें यू नो सीखी हैं। तो मैं बस उन लोगों के से टच में रहती हूँ जनरली, कि जो मुझे कुछ सिखा सके मतलब। और मुझे काफी सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे यंग बच्चे ये देखेंगे एंड उनके दिमाग में सवाल आएगा कि दीदी, पूछते हैं कि दीदी इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, और मन नहीं लगता, दूसरों की जर्नी देखते रहते हैं, मोटिवेशनल ये वो फलाना ढिमका, उसका लव स्टोरी, उसका ये। यार मतलब ठीक है, अच्छी बात है, देखो मैं भी सोशल मीडिया यूज करती थी, ऐसा नहीं कि मैं कट ऑफ कर लिया था एक साल में। ये भी बहुत बड़ा लिमिटेड ओनली, हाँ ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि सब कट ऑफ कर दो और कुछ मत करो, ऐसा नहीं होता। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, वो वाली बात है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वाह क्या बात कही आपने। होलिस्टिक लाइफ रखो, मतलब कंट्रोल रखो कोई चीज। जैसे जब मैं 3 महीना कुछ करने रही थी पढ़ाई, तो मैं पूरे दिन सोशल मीडिया करती थी, बहुत ड्राइंग करती थी, पेंटिंग करती थी, क्योंकि उस समय मुझे वही करना था। बट जब मैंने नीट की तैयारी शुरू की ना, मेरा मन ही नहीं करता था सोशल मीडिया का यार। मतलब मुझे लगता था यार चैप्टर खत्म करना है, फटाफट से क्विज ढूंढनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने। मतलब एक्साइटेड होती थी कि कब थ्योरी पढ़ के खत्म करूँ एनसीईआरटी और फिर सवाल करूंगी बैठ के। और जब आप एक सवाल करते हो ना, तो आपको डोपामिन किक मिलता है, क्योंकि सब डॉक्टर बनने वाले हैं इस चैनल पे, तो साइंटिफिकली बताती हूँ। डोपामिन किक मिलता है ना जब, तो और करने का मन करता है। तो ऐसा किक मिलता था सवाल करके, आंसर सही लाके सवालों में, कि यार एडिक्शन सा हो गया था। रात को 1-1, 2-2 बजे तक मुझे लगता था कि बस यार अब सो जाते हैं, दिमाग का दही हो रहा है बहुत ज्यादा। बट कभी कभी, और एक चीज और बताना चाहूंगी, बहुत लोग पूछते हैं कि सवाल पे अटक जाते हैं, चीजें समझ नहीं आती हैं, आंसर नहीं निकल रहा है। यार मेरे साथ बहुत होता था कि इवन नीट में भी हुआ था, सीरियसली बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा कैपेसिटर वाला, जो कैपेसिटर का उन्होंने वो दिया था, 2 पैरेलल में दिए थे और एक शॉर्ट सर्किट बनाया था, मेरे से नहीं हुआ वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, क्योंकि मैं नर्वस थी। कभी कभी क्या होता है, दिमाग नहीं चलता, छोड़ दो, आधे घंटे बाद देखो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जब दोबारा देखोगे ना, तो वो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। कभी कभी हम उस सवाल को लेके इतना वो हो जाते हैं अंदर से, कि यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मेरे साथ 3 या 4 सवाल में ऐसा हुआ एग्जाम में कि मतलब मैं मेरी फट ली थी पहले 20 मिनट्स, एंड आई हैड टू फिगर आउट कि अब कैसे बचाऊं ये टाइम और कैसे ठीक करूं। मतलब अरे भाई, कैसे ये तो बन ही नहीं रहा है, ये तो बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है। मतलब 5 सवाल में लगातार ऐसा हुआ कि मतलब मैं डर गई थी, ऑनेस्टली बताऊं पसीने आ गए थे मेरे को। बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, फिजिक्स में थोड़ी फट रही है, कोई बात नहीं, बायो में चलते हैं, जस्ट स्किल डाउन एंड फ्लो के साथ चलते हैं, हाँ कुछ टाइम पास करते हैं बायो में, फिर वापस आते हैं फिजिक्स में। तो वो बहुत जरूरी है। मतलब कभी कभी ऐसा होता था, मेरे से आज एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैंने कल किया और हो गया अचानक से, क्योंकि मेरा मेंटल ब्लॉक था कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो फ्रेश दिमाग से दोबारा कर लो, या उसके आंसर देख लो, उसको मार्क कर लो, दोबारा कर लो उसको। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, 5 बार करो, चला ऐसा करो कि दिमाग में फंस जाए वो, कि निकल ही नहीं रहा। जैसे लास्ट 2017 में एक क्वेश्चन था फिजिक्स में, कि 2 बॉल्स थे चार्ज एंड उनसे चार्ज लीक हो रहा था, वेलोसिटी निकलने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, उठा के क्वेश्चन कर लेती थी, आज के दिन आंख बंद करके उसका सोल्यूशन लिख सकती हूँ। मतलब तो कुछ लोगों का ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, कुछ लोगों को जल्दी चमक जाता है। मैं ये बोलती हूँ कि हार्डवर्क इज ग्रेटर देन बींग अ जीनियस ऑलवेज, क्योंकि जब आप हार्डवर्क करते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जीनियस में कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो हम हार जाते हैं। हार्डवर्क कैन बीट द टैलेंट, अगर टैलेंट बैठा रह जाए तो। यस, तो करो, बट टैलेंट अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले यार कचरा यहाँ से निकालो, फिर ज्ञान को यहाँ पर बढ़ाओ, तभी ज्यादा चीजें चमकती हैं। इन्होंने बताया कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनकी जर्नी सुन के बहुत ज्यादा मजा आया मुझे, बल्कि वी आर ब्लेस्ड कि आकृति गोयल आज अपना इतना प्रीशियस टाइम देके आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आकृति, लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहो तो बिल्कुल कहो, यू आर फ्री टू शेयर ऑल द थिंग्स यू वांट टू से। यार बस ये बोलना चाहती हूँ कि हम बहुत सारे वेरिएबल जिंदगी में
ये हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो कैसा होगा, मतलब हम खुद को दबाते हैं अपने, फंसे हुए हैं खुद में। हाँ, हमें लगता है दुनिया ने फंसाया है, तुम खुद फंसे हुए हो। किताबें पढ़ने से, मोटिवेशनल कोट देखने से कुछ नहीं होता यार, मतलब मोटिवेशनल वीडियो देखने से हाँ शायद इस वीडियो से भी कुछ नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। मतलब एक बंदा बोलता, जनरली लोग बोलते हैं ये वीडियो देखो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है यार। मतलब आई डोंट थिंक आई कैन चेंज समबडीज लाइफ, आई कैन जस्ट टेल यू दैट यू नीड टू चेंज योर लाइफ, योर कॉम्पिटिशन इज यू। आपको पता है एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी एक दोस्त हुआ करती थी आकाश लाइव में, जब मैं पढ़ती थी क्लासेस से, तो मैंने एक दोस्त से कनेक्ट किया था, बहुत डीपली हमारी दोस्ती आज भी है। मैंने आज तक उसको अपने नंबर नहीं बताए, ना उससे उसके नंबर पूछे, क्योंकि मैं उससे कम्पीट नहीं कर रही थी कभी, मैं खुद से कर रही थी। और मैंने उसको एक चीज बहुत क्लियरली बोली थी कि हम कभी एक दूसरे के नंबर कंपेयर नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे, हम डाउट्स पूछेंगे, हम सवाल इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा गलत किया, कैसे किया, ये बता दो, किसी और के क्या नंबर आ रहे हैं उससे क्या मतलब है, तुम्हें तो देश के 16 लाख लोगों से कंपेयर करना है, अपने दोस्त से क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्यों जेलस हो रहे हो उसकी उसकी जर्नी से, फायदा क्या है तुम, हम क्या है आसपास के 4 बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं कि मेरे बगल वाले का ये हुआ उसका, छोड़ो ना यार, 17 लाख लोगों से कॉम्पिटिशन है, तो फुल लाने की कोशिश करो। मेरा एम था, सच बताती हूँ, 720 लाने का, मैंने वो टारगेट सेट किया था, मुझे फर्क नहीं पड़ा था, 716 नंबर का पेपर अटेम्प्ट भी कर लिया था, गलत हो गए वो बात अलग है, बट ठीक है। तो अभी तक ये नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन गलत है, देखा नहीं अभी तक, क्या पता आप नीट पीजी में AIR1 ले आओ। यार AIR1 लाने की बात नहीं है ना, AIR1 लाके क्या करूंगी, मतलब उससे होगा क्या, पढ़ना है ना तो कहीं भी पढ़ लो, मतलब जो मन है पढ़ने का बस वो मिल जाए, बाकी सब ठीक है। मतलब मेरा बस ये बोलना है कि यार ऊपर सोचो फुल, मतलब ऐसा कंपटीशन लगाओ कि जैसे अगर आप 720 लाने की कोशिश कर रहे हो तो बाकी सब तो इमटेरियल है ना, क्या फर्क पड़ता है किसी और के कितने आ रहे हैं, तुम्हें तो फुल लाना है उस टेस्ट में, खत्म हो गया ना कॉम्पिटिशन, तुम्हें कॉम्पिटिशन खत्म करना है तो तुम फुल लाओ, तुम सारे क्वेश्चन सही करो। जिस दिन मेरे 705 आए थे आकाश के टेस्ट में, उस दिन काफी अच्छा लगा था, बट वही था कि आई वॉन्ट टू मेंटेन इट, बट हुआ नहीं, वो बात अलग है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई वेंट फ्रॉम 590 टू 705, नॉट वरिंग अबाउट कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बट वरिंग अबाउट कि मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत कम होने चाहिए, उस पर फोकस करो। 10 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 8 करो कल, गलत 8 होते हैं तो 6 करो, एनालाइज करो, मिस्टेक्स में एनालाइज करते हैं हम, टेस्ट दे दिया हाँ गलत हो गया, आगे बढ़ गए, अरे ये तो पता करो कहाँ गलती हुई थी, तभी तो इम्प्रूव करोगे उस चीज को। सो डू दैट। आकृति, ये तो हुई पढ़ाई की बात, लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन हो चुके हैं, तो वहां से 2 से 3 बातें जो आपने सीखी लाइफ के रिगार्डिंग, वो प्लीज बताओ कि हाँ ये 2-3 चीजें भाई साहब बहुत बेहतरीन मैंने सीखी कि जो आगे काम देने वाली हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। इनफैक्ट चाहे कुछ भी बोले, दैट इज वन लर्निंग। सेकेंड, लाइफ में कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कहीं से भी शुरू करके कहीं भी पहुंच सकते हो, देर लग सकती है, मुश्किल आ सकती है, बट कर तो सकते हो, और एक ही चीज को करने के 100 तरीके हैं, तो हार मत मानो। मतलब देर आर डिफरेंट वेज टू अचीव द सेम थिंग। मतलब कल को अगर मेरा नीट शायद नहीं होता या मैं MBBS नहीं पढ़ पाती फॉर सम रीजन, तो कुछ और कर लेता यार। हाँ, लाइफ बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी है एट द सेम टाइम। और ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, वेस्ट कुछ नहीं होता। अब लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग करके वेस्ट कर दिया, अरे भैया इंजीनियरिंग करके वेस्ट नहीं किया है, जो लर्निंग है ना, अब उस लर्निंग की वजह से आज यहाँ हूँ। वेस्ट कुछ नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जैसे सेविंग बढ़ता है ना बैंक में, ऐसे कंपाउंड होती है नॉलेज। सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स एंड रेस अपने आप से लगाओ, किसी और से नहीं। कल क्या थे, आज क्या हो, कल क्या बनना है, बस खत्म। खुद को देखो, खुद को देखो और बेहतर बनाओ। मैं दोबारा से यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, निट शॉर्ट्स विद आकृति इनका यूट्यूब चैनल है। इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बोला कि सर मेरे चैनल का नाम लेना, लेकिन इनके एक्सपीरियंसेस सुन के मुझे खुद से मन कर रहा है भाई साहब कि इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अपने यूट्यूब चैनल पे अभी कंसिस्टेंट वीडियोस डाल रही हैं। निट शॉर्ट्स विद आकृति नाम है।
वी आर वेरी ग्लैड आकृति कि अपना अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल के आपने हमारे चैनल को दिया. थैंक यू सो मच आकृति, थैंक यू सो मच. अभी मैं बहुत फ्री हूँ, अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है तो. हाँ, तो आप कौन से कॉलेज से मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो? स्कोर तो काफी बढ़िया है आपका. मेरी रैंक 118 है एंड मुझे मुंबई में कोई भी कॉलेज मिल जाएगा. अच्छा, मुंबई में ही चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऑल इंडिया ओपन हूँ तो अभी हम इनफैक्ट मेरे डैड और मॉम बहुत एक्साइटेड हैं और वो लोग मेरे बिगेस्ट सपोर्टर हैं एट दिस टाइम एंड वो लोग दिन रात कॉलेजेस की रिसर्च करते हैं मुझसे भी ज्यादा. तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है. एक बार अलॉट हो जाएगा तो डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी उस पर. और थैंक्स टू योर पेरेंट्स की उन्होंने आकृति गोयल बनाया, क्योंकि अगर आप नहीं होती आज यहाँ पर तो बहुत लोग आपसे सीख नहीं रहे होते. वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. ये तो पता नहीं बट I just want to help somebody in whatever way I can. तो बस वही कोशिश कर रही हूँ कि आजकल फ्री टाइम है तो थोड़ा बहुत हेल्प कर दूँ. पता नहीं शायद मेडिकल स्कूल जाके बिजी हो जाऊंगी या लाइफ में कुछ और हो जाएगा, तो जो टाइम है वो यूटिलाइज कर रही हूँ थोड़ा बहुत. होप कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने अपने फ्यूचर में, और अच्छे इंसान तो आप बन ही चुके हो, ये तो समझ आ चुका है मुझे. कभी एमपी यूपी आना हुआ था जरूर बताना आकृति, मैं एमपी का रहने वाला हूँ यहाँ पर, तो कभी वक्त मिला तो जरूर मिलेंगे. पक्का, I'll be in touch with you. मैं आपसे जरूर टच में रहूंगी, आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे. ठीक है, और मैं आपसे सीख चुका हूँ मैं. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार. चलो आपको भी ऑल द थैंक यू सो मच आकृति, थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. ऑल गुड, बाय, टाटा.